हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एन फार्मेसी चैनल। आज हम डिस्कस करें हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री श्रीखंड का। उसमें आज हम देखेंगे ड्रग्स की कैटेगरी और उसके ब्रांड नेम। ठीक है, तो आज इसमें हम देखेंगे कि ब्रांड नेम हर एक ड्रग्स का जो भी कैटेगरी होती है उस हिसाब से उसका किस प्रकार से ब्रांड नेम होता है, क्योंकि कैटेगरी में कई सारे कंपाउंड आते हैं लेकिन उसका ब्रांड नेम जो होता है वो अलग अलग होता है। ब्रांड नेम आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि एमसीक्यू में ब्रांड नेम के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर ब्रांड नेम आपको मालूम है तो आप इजीली इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि हम ब्रांड नेम बेस पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पे इनपुट कर रखा है। इसमें जैसे सबसे पहले हमारा है एंटीबायोटिक, यानी जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे बेंजिल पेनिसिलिन जी जिसको बोला जाता है, उसका ब्रांड नेम होता है क्रिस्टापेन पेंटिड पीएम, बेंजेथिन बेंजिल पेनिसिलिन पेनिडियोर लोजासिलिन पेनकॉम, फिनॉक्सीमाइल पेनिसिलिन जिसका ब्रांड नेम होता है क्रिस्टापेन पेंटीट्रेड और डेपिन, एम्पीसिलिन रोसेसिलिन एम्फिलिन और एम्पीपेन और एमीसिन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हर एक कंपाउंड के ब्रांड नेम रहेंगे। जैसे कैम्पीसिलिन एमिलिन, ये एम्पीसिलिन की ब्रांड नेम होती है। कार्बामेसिलिन की कार्बापेन कार्बिलिन और बायोपिनेस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ब्रांड नेम रहेंगे। सबसे पहले हमने एंटीबायोटिक कैटेगरी की जितनी भी ड्रग्स के हैं उनके ब्रांड नेम, प्लस ब्रांड नेम में कौन से कंपाउंड है, कितने ब्रांड नेम हैं उसके, इन सब के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब इसमें जैसे है कार्बापेनिसिलिन कार्बिलिन बायोपिनेस, क्लोक्सासिलिन क्लोक्साफक्स और क्लोक्सिलिन। ठीक है, इसी प्रकार सिफ्लोस्पोरिन ग्रुप के जितने भी हैं, सिफ्लोस्पोरिन में क्या क्या हमारा ब्रांड नेम के अंतर्गत सिफ्लोस्पोरिन को कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड नेम होते हैं, तो उसी प्रकार से इनके ब्रांड नेम सिफेक्सिन रोनिसेप सिफेक्सिन। ठीक, तो जितने भी सिफ्लोस्पोरिन वाले रहेंगे, थ्री सिफम वाले रहेंगे, उनमें जो ब्रांड नेम रहेगा सिफेक्सिन नोसेप सिफेक्सिन। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ब्रांड नेम कैटेगरी वाइज मिलेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है सेफ्लोरिडिन, सेफ्लोरिडिन को एक कंपाउंड है जो कि एंटीबायोटिक के अंतर्गत आती है, तो इसका ब्रांड नेम क्या क्या होगा, सिफ्लोडिन सिफाडिन सी4। इसी प्रकार से अगला हमारा कंपाउंड है सिफोलेथिन, इसको कहा बोला जाता है कैफीन सेफीन। अब इसी प्रकार से नॉन लैक्टम जितने भी नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन नियोमाइसिन एमिनोगैलेक्टोसाइड जेंटामिन और टेट्रासाइक्लिन, तो सबसे पहले हम नियोमाइसिन कैटेगरी के देखें, तो नियोमाइसिन को किस नाम से बोला जाता है, डेक्सीबर यन डेक्साकार्ट यन यनीबा सल्फ, नियोस्पोरिन नाइपसिन एन, ये इसके ब्रांड नेम है। इसी प्रकार से जेंटामिसिन को जो जेंटामेसिन भी बोला जाता है, जी माइसिन भी बोला जाता है और जेंटा पर भी बोला जाता है, ये इसके ब्रांड नेम है। इसी प्रकार टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के एक्रोमाइसिन एंट्रोसाइक्लिन कार्डिसाइक्लिन, उसी प्रकार होस्टोसाइक्लिन के लिए अलग अलग ब्रांड नेम। अब माइक्रोलेड में हम देखेंगे, जैसे हमारा एरिथ्रोमाइसिन क्या होता है, माइक्रोलेड्स होता है, एंटीबायोटिक की कैटेगरी ही है। इसमें एरिथ्रोमाइसिन को एल्थ्रो भी बोला जाता है, एरिथ्रोसिन बोला जाता है, एर भी बोला जाता है, एम्थ्रोसिन ईमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन डॉक्सी आई, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टेट्रामाइसिन और टेरामाइसिन। ठीक है, तो ये है इसके ब्रांड नेम जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एरिथ्रो के बहुत सारे ब्रांड नेम आते हैं, तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट ब्रांड नेम को इनपुट किया गया है। इसी प्रकार से जितने भी एंटी ट्यूबरकुलर हैं, जैसे आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड के जो इसका ब्रांड नेम है, मेन ब्रांड नेम कैंडिजिड आइसोनेक्स रिमपेंजिड आइसोकार्डी पास। इसी प्रकार से पास का यानी जिसको बोला जाता है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, आरडी पास आइसोपर बेंजापास आइसोजोन। इसी प्रकार से एथाम्बुटाल जिसको बोला जाता है मायम्बुटाल एलब्यूटाल लीब्यूटाल माइकोब्यूटाल, थायासिटाजोन थायोसिटा एसाटोक्सोजोन, इसको बोला जाता है थायोप्रोमीजोन थायोसी विट डेक्टोजोन, ये इसके ब्रांड नेम है। इसी प्रकार से इथोनामाइड जिसको बोला जाता है ब्रांड नेम एथेनेक्स
एरिसेलेसिक पायरिजिनामाइड, जिसको ब्रांड नेम होता है जीनामाइड पायरेट पायरिना 500 पीजेडीए सीबा, ठीक है, तो ये सब ब्रांड नेम है। इसी प्रकार से साइक्लोसेरिन, जो कि एंटी ट्यूबरल कंपाउंड है, इसको बोला जाता है साइक्लोसिन, थेमिसेरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसका ब्रांड नेम है क्लोरोस्टिप, इंट्रोस्टिप, लेकास्टिप, स्ट्रेप्टोमैक्स, एवेस्टिन एस। तो ये सब है हमारे जो एंटी ट्यूबरकुलर कंपाउंड होते हैं उनके ब्रांड नेम। रिफामसिन, जिसको ब्रांड नेम होता है रिम्फिन और रिफामसिन। इसी प्रकार अदर क्राइटेरिया हम लेते हैं एंटी लेप्रोटिक, जिसमें आता है हमारा डेप्सोन, जिसको शॉर्टकट में TDS बोला जाता है। इसका जो ब्रांड नेम है, यानी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित ब्रांड नेम है, ड्यूब्रोनेक्स, डेप्सोन, प्रोमीन, साल्पसोन, थायबुटासिन, इसका ब्रांड नेम है सीबा 1906, क्लोफेजिमाइन, क्लोफेजिन, लैम्प्रिन, हैंसीप्रेन, ठीक। अगला हमारा है एंटीफंगल, एंडीसाइक्लिनिक एसिड, माइकोटा, टीनाफेक्स, टोलनाफिडेट का ब्रांड नेम क्या क्या है, टेनासीडल, मल्टीडर्मा, माइसिल, नेस्टिन का ब्रांड नेम नेस्टिन, नेस्टोफान, नेस्टा डर्मल, एम्फोट्रेसिन बी का फंजीजोन, फंजीलिन, हेमेसिन का प्राइमा सिन, और इम्प्राइम प्रीना जो होता है इसका ब्रांड नेम होता है। ये होते हैं एंटी फंगल के। इसी प्रकार से हम और देखेंगे एंटी अमीबिक, इसमें है हमारा इमेटिन, इमेटिन एक कंपाउंड है, इसका ब्रांड नेम क्या होगा, स्टेम्बिन, हीमोमेटिना, माइट्रोनिडाजोल, जिसको बोला जाता है ब्रांड नेम फ्लेजिल, माइट्रोक्विन, माइट्रोक्विनाल, यूनिमिजोल, डाईहाइड्रोक्सीक्यून, जिसको बोला जाता है, इसका ब्रांड नेम जो फेमस ब्रांड नेम है आइडोक्यून, मेट्रोक्यून, एमीबायोटिक, आइडोक्लोरो हाइड्रोक्सीक्यून, इसका जो ब्रांड नेम होता है वो होता है इंट्रोक्विनाल, इंट्रो वीवो फार्म, मैक्साफार्म, मेट्रोक्विन, डिलोक्सिनाइड फ्यूरेट, जिसको ब्रांड नेम होता है इंटामिजोल, फ्लेजिल डीएफ, डॉक्सिल फ्लोरामाइड, पैरामोमाइसिन, पैरामिसिन, हेमेजिल, सिलोक्विनोलोल, इसका ब्रांड नेम है एमोसेज। इसी प्रकार से एंटी मलेरियल जितने भी कंपाउंड है, क्यूनिन जो कि मलेरियल मिक्सर होता है, फ्लू फ्ली बैगोटेन, इसका ब्रांड नेम है, क्लोरोक्यून का ब्रांड नेम क्या क्या है, सिप्लाक्यून, अमीबायोटिक नोवाक्यून, मेलुब्रिन, रिसोसिन, अमेडाक्यून का कोमोक्विन, फ्लेवोक्विन, प्राइमाक्यून का एरालोन विथ प्राइमाक्यून, पोरोक्विन, क्लोरिडीन, पायरीमेथामाइन का ब्रांड में पायरलाफिन, डाराप्रिम, ओलो टू डाराफ्रिम। तो ये इसके ब्रांड नेम है एंटी मलेरियल के। एंटी हेलमेंथिक के पिपराजिन, जिसका ब्रांड नेम है एंटीपर विथ लग्जेटिव, हेलमासिड, वर्मिसाइड, डीईसी, जिसको बोला जाता है डाइथाइल कार्बामाजीन, जिसका ब्रांड नेम है फिल्लाजिन, हेट्राजिन, बोनोसिड, वो फोर्ड। इसी प्रकार मेवेंडाजोल, मेवेक्स, वर्मिन। एंटी न्यूप्लास्टिक एक्लेटिक के जो एजेंट होते हैं क्रोम्बोसिल, जिसका ब्रांड नेम है ल्यूकरन, इंडोक्सन, एस्टा, यूक्रेन, मीटोमाइसिन, मूमाइसिन, साइक्लोफास्फोमाइड, साइक्लोऑक्सोजोन, एंडोक्सन, एस्था, साइक्लोइन, बुसालपान का बुसालफेन, माइलोसैन, माइलोकोन, माइलर। सिप्लैक्टिन का ब्रांड नेम क्या क्या है, प्लेटिनॉल, एक्वाप्लाट। इसी प्रकार से एंटी मेटाबोलिक एंटी ट्यूमर कैंसर, यानी मेथोट्रेक्सा, जिसको ब्रांड नेम है बायोट्रेक्सेटा, न्योट्रेक्सेटा, मरकैप्टोप्यूरिन, जिसका ब्रांड नेम है प्यूरी नेप्थॉल, एजिथोप्यूरिन, इमुरान, एजिमून, फ्लोरोसिल, इफोडिक्स, फ्लोरोप्लेक्स, एड्रोसिल, फाइफ्लू, फोरिसिल। तो ये होते हैं एंटी कैंसर, जिसका ब्रांड नेम है, जितने भी इसमें कंपाउंड दे रखे हैं। इसी प्रकार से डुब्रोबिसिन, सिरोबुदीन, सिरोबिसिड,
एक्टिनोमाइसिन, लाइबोका, ड्रग एक्टिंग ऑन CNS यानी जो CNS पे इफेक्ट करते हैं, कैफीन जिसका ब्रांड नेम है एनासिन, कोलाड्रिन, पावरिन, थियोफाइलिन, अस्थमाजिन, ब्रोंकास्मा, मीनोफाइलिक, थियोफाइलिन, थियोफाइलिन, लेप्टाजोल, कोरामाइन जिसका ब्रांड नेम है कोरामाइन या निकेथेल। ठीक, तो इस प्रकार से आपको अलग अलग कंपाउंडों के ब्रांड नेम मिलेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ब्रांड नेम जानना ज़रूरी है क्योंकि आप डी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले आपको ब्रांड नेम जानना ज़रूरी है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अगर आपके कोई भी और सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करिए।